हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल के बारे में, जो आता है केसर चंदन फ्लेवर्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने इसका यूज़ करना है, क्या है इसके बेनिफिट्स, और जो इन्होंने इसके बारे में बताया है कि रियली वर्क करता है या नहीं करता है, किस तरीके से आपने इसका सही से यूज़ करना है जिससे आपको जल्दी से स्किन के रोगों में बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, ये है पतंजलि का सौंदर्य का एलोवेरा जेल केसर चंदन फॉर्म में, जो है 60 ml का मेरे पास। और इसकी MRP जो है लगभग है, इसकी MRP ऊपर है इसकी 55 रुपये के तकरीबन इसको मिल जाता है। बड़ा वाला इसका 80 से 90 रुपये का, अलग अलग फ्लेवर में प्लेन में भी मिल जाता है एक। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आप कलर ही देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें कलर इसका बिल्कुल एलोवेरा जैसे नहीं है, केसर इसमें डाला गया है जिसका इसका फ्लेवर और बनाया गया है। तो कंटेंट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें तो इसमें है दोस्तों घृतकुमारी यानी एलोवेरा है इसमें 90% लगभग एलोवेरा इसमें डाला गया है। केसर इसमें 0.1% है और सफ़ेद चंदन है 0.10%। तो दोस्तों, इसमें मिक्सअप वगैरह है, फ्लेवर के लिए भी इसमें डाला गया है और केसर वगैरह भी इसमें पड़ा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों, और इसमें मटेरियल डाला गया है वो है आपका विटामिन ई, और कलर इसमें फ्लेवर के लिए डाला गया है कुछ फ्लेवर, और सुगंधित द्रव्य डाले गए हैं यानी स्मेलिंग के लिए, खुशबू के लिए इसमें कुछ और कंटेंट भी इसमें डाले गए हैं। तो दोस्तों, इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट एंड नरिशमेंट कंटेंट इसमें है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिले हैं दोस्तों। मैं इसको काफ़ी लगभग हफ्ते से 10 दिन तक इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी इतना ही बचा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया इसका स्मेलिंग है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। स्किन के लिए मॉइस्चराइजेशन करता है और दोस्तों स्किन को ग्लोइंग बनाता है। दोस्तों, इसमें ये इसके यूज़ की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आपको स्किन्स में रेडनेस है, रफनेस है यानी ड्राइनेस वगैरह है, सूखी है यानी आजकल तो सर्दियों में ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, अगर आपका चेहरा बिल्कुल ड्राई रहता है, रफनेस रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डलनेस है, बिल्कुल स्किन ऐसी हो गई कि डल हो गई है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है फेस पे, तो आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी चेहरे की प्रॉब्लम है जैसे कि सन बर्न हो गया है यानी स्किन किसी तरह की धूप वगैरह से जल गई है, तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। टैनिंग के लिए इसका यूज़ करवाया जा सकता है, जैसे आपका चेहरे के पोर्ट्स वगैरह जो है कभी कभी खुल जाते हैं, तो उनको क्लोजिंग वगैरह टाइट करने के लिए फेस की, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है और ग्लोइंग फेयरनेस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे पिंपल्स वगैरह है, जैसे आपने बता रखा आपको पिंपल्स है, रिंकल्स है, और किसी तरह के स्किन को ग्लो करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेस पे जैसे झाइयाँ वगैरह आ रखी है, दाग धब्बे हैं, काले दाग धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं किसी तरीके से, यानी आप धूप वगैरह से जल गए या फिर किसी और तरीके से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइजेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है, नाइट में आप इसका यूज़, या फिर आप इसको हेयर के प्रॉब्लम्स के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर सॉफ्टनेस के लिए भी काफ़ी इसका बढ़िया रिजल्ट है। तो दोस्तों, इसको यूज़ की बात करते हैं, यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके 3 टाइप के यूज़ हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दोस्तों इसको चेहरे पे मसाज करनी है, और दोस्तों एक लेयर इसको रात को ही छोड़ देनी है फेस में, और सुबह को गुनगुने पानी से इसको धो लेना है। तो दोस्तों, रात को आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन वगैरह मिलेगी और दोस्तों धूल मिट्टी वगैरह में नहीं लगेगी, तो अच्छे से ये वर्क करने लग जाता है। दूसरा जो विधि है दोस्तों, इसको सुबह को नहाने से पहले आप इसको 30 मिनट पहले इसको लगा के छोड़ दीजिएगा तो अच्छा होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, अगर आपको स्किन के रोग हैं यानी खुरदरापन है, दाग धब्बे, ब्लैक स्पॉट, किसी और तरीके का रोग भी है फेस, तो आपने इसको सुबह सुबह दोस्तों लगाना है, और दोस्तों 5 से 7 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। इसमें कम्प्लीटली इन्होंने भी बता रखा है, इसको दोस्तों लगा कर आपने 5 से 7 मिनट मसाज करनी है और फिर गुनगुना पानी वगैरह से भी धो लेना है। तो दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप स्क्रब वगैरह से पहले अपना फेस को साफ कर लीजिएगा और फिर इसको नाइट में लगा कर छोड़ दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा इसके रेट देखने को मिलते हैं। स्मेलिंग वगैरह इसकी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका फ्लेवर है, या आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है और काफ़ी अच्छा स्मेल भी इसका आता है दोस्तों। तो बस दोस्तों, ये था कुछ एलोवेरा जेल के बारे में। तो दोस्तों, ये हार्मफुल तो नहीं है, इनको नरिशमेंट वगैरह के लिए या फिर रफनेस वगैरह के लिए एलोवेरा का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। बालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बाल एकदम थिकनेस से, सिल्क से हो जाते हैं,
जो मैंने इसको यूज़ करा है दोस्तों। तो तभी मैं आपको यहाँ पर रिव्यू देता हूँ इन प्रोडक्ट का, जो मैं सेल्फ़ यूज़ कर चुका हूँ या कर रहा हूँ तभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो इस चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेंगे एकदम जेन्युइन मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपको कोई गलत जानकारी मैं दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो बस दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।